ये तस्वीरें पानीपत के एक वार्ड की आपको दिखा रहे हैं। अमूमन ये तस्वीरें आपको हर गली, हर चौराहे, हर वार्ड में देखने को मिल जाएंगी। 5 करोड़ से ज़्यादा हम लोग अपनी जेब से, यानी कि जो हमारे से टैक्स जा रहा है, वो टैक्स जो हम भर रहे हैं, नगर निगम में भर रहे हैं, सरकार को भर रहे हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा रुपये कूड़े उठान को जाता है। उसके बाद भी शहर के ये हालात हैं, इस शहर के ये हालात ऐसे हो गए हैं, ना तो कोई नेता यहाँ देखने वाला, सुध लेने वाला, ना शहर की मेयर सुध लेने वाली, ना डिप्टी मेयर, ना सीनियर मेयर, और ना ही सफाई कमेटी में जो चेयरमैन बने हैं संजीव दहिया, ना ही उनका ध्यान है शहर की ओर। तो आप देख सकते हैं कि शहर कितने बुरे दौर से गुजर रहा है। चुनाव आने वाला है और मात्र 1 महीने का समय जो है नगर निगम के पार्षदों और मेयरों का बचा है, कार्यकाल जो है इनका ख़त्म होने जा रहा है, और ये भी जो है जो ज़्यादा दिलचस्पी जो है नहीं दिखा रहे। खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। शहर के सराउंडिंग एरिया में 5 दिन से जो है कूड़ा भरा पड़ा है, लेकिन ना तो इस ओर कमिश्नर ध्यान दे रहे हैं नगर निगम के, और ना ही शहर का कोई नेता जो है इस ओर ध्यान दे रहा है। संजीव दहिया जो है वो भी मीडिया में बातचीत करते नज़र आते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो आप लोग जो है देख सकते हैं। कूड़ा पड़ा है, उसके साथ साथ गौ माता जो है उस गंध में मुंह मार रही है। गौ माता के नाम पर जो है भाजपा ने नारे दिए थे और सत्ता में आई थी, आज वो गौ माता का भी हालात देख लीजिए और आज उस कूड़े का भी हालात देख लीजिए, जिस कूड़े के उठान के लिए हम लोग 5 करोड़ रुपए जो है देते हैं, लेकिन हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। सीएम साहब जो है 19 तारीख को पानीपत में आ रहे हैं, शायद उनके आने से पहले ये कूड़ा जो है उठ जाए, सड़कें जो है चकाचक हो जाए। जहाँ जहाँ सीएम साहब ने जाना है, सीएम साहब के आंखों के सामने ऐसा चश्मा वो पहना देंगे अधिकारी शहर के, कि शहर जो है वाकई में पूरा चमका हुआ है। लेकिन हालात जो है आप देख सकते हैं, वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए आपको हालात दिखा रहे हैं, सड़कों के भी हालात आप लोगों ने देखी। और दूसरा मामला कूड़े का है, पिछले 5 दिन से जो है जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। क्या कहते हैं क्षेत्र के लोग, आपको सुनवाते हैं। कम से कम मतलब 5-7 दिन में बिल्कुल उठाया नहीं गया, बिल्कुल। हाँ, पहले आते थे, आता उठा के ले जाते हैं, अरे कुछ जाता था, अब ये ट्रैली वाले हैं, ये उठा के ले गए और ये सामने छोड़ दिया। ये पड़ा रहेगा कल तक भी, ये कल तक ही पड़ा रहेगा जी। ये जो मक्खर में मच्छर रहता है, नगर रिक्वेस्ट भी है उठाया, फिर ऐसे ऐसे नगर निगम कह रहे हैं कि करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं हम, सफाई व्यवस्था हो रही है, सफाई हो रही है शहर में। हाँ भाई, अब ये सारी अब ये नगर निगम से की अपील ही है हमारी, सफाई सफाई करा दे तो बहुत बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं। नगर निगम कहते हैं हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अब ये आपके सामने आपके सामने है बिल्कुल, वो तो इस चीज़ की तो वही है। ये तो आपके सामने पड़ रहा है नगर निगम, तो कहते हैं सफाई हो रही है, ये गंदगी आपके सामने पड़ी है जी भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है। आते हैं नगर निगम वाले भी करते हैं, लेकिन कुछ 15-20 दिन से, महीने से तो इतना ज़्यादा हाल बुरा हो रहा है, ये यहाँ से गंदगी उठती नहीं है, सफाई नहीं हो पाती, इसकी वजह से हमारे कस्टमर भी यार हमें कंप्लेन करते हैं क्या वहाँ गंदगी रखे होते हैं, अच्छी तरह काम हमारा अच्छा, सारा कुछ अच्छा, फिर वो इस चीज़ के लिए हमें बड़े बीमारी भी फैल रही है। और उससे सबसे बड़ी बात तो मच्छर मक्खी इस कदर हो गया यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अभी पहले मच्छर नहीं थे यहाँ पे, अब दुकानों में मच्छर भी आ गया है, जिससे हमें काटते हैं वो करता है। इस चीज़ की आपने पहले कभी कंप्लेन नहीं की? कंप्लेंट करी है एमसी वगैरह को भी करी है, साफ हुआ है, बिल्कुल सफाई हो गई है यहाँ पे, फिर ऐसे होने लगा दोबारा। नाले यहाँ हमारे यहाँ नाले होते हैं, गंद मच्छी रहती है, स्मेल इतनी गंदी आती है, बस ये बुरा हाल हुआ पड़ा है। कूड़े का वर्किंग ढेर लगा हुआ है, इसकी ना तो टाइम से सफाई हो पाती है, ना तो कुछ हो पाता है, और गंदगी इतनी फैलती जा रही है, मच्छर और गाय वगैरह, हमारा पशु वगैरह आप खुद देख सकते हैं कितने खड़े हैं यहाँ पे, ना तो इन पशुओं का कोई समाधान हो पा रहा है। मैं चाहता हूँ ये कृपया करके इसकी सफाई का वो विशेष ध्यान रखा जाए, हमारा पशु काटने का ही हादसे हो चुके हैं। हाँ, यहाँ बहुत हादसे होते हैं, मेन चौक के ऊपर ही लगा है। अभी ट्राली वाले इधर का कबाड़ा उठा के ले गए, उधर का नहीं ले गए, इसका क्या मतलब है? देखो जी, वो कबाड़े वो आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, लेकिन कोई टाइमिंग नहीं होता उनका, किस टाइम आते हैं किस टाइम नहीं आते, जबकि ये कूड़ा जो है सुबह सुबह ही उठना चाहिए। अभी कबाड़ा कितने दिनों से पड़ा है? ये अभी ये रात को इकट्ठा हो जाता है, सुबह सुबह उठना चाहिए, ये अभी तक उठाने के लिए कोई नहीं। तो ये क्षेत्र के लोग हैं जो कोस रहे हैं नगर निगम की व्यवस्था को, शहर के नेताओं को कोस रहे हैं, और नगर निगम में जितने नेता बैठे हैं उनको कोस रहे हैं कि ये कैसी व्यवस्था है। नगर निगम बनने के बाद उन्होंने सोचा था कि शहर जो है स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन नगर निगम के बनने से पहले के जो हालात और नगर निगम के बनने के हालात सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक चीज़ में जो है फ़र्क पड़ता जरूर नज़र आ रहा है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में पानीपत का नगर निगम जो है नंबर 1 पर आया है। ओवरऑल जो है पिछले 9 साल का इतिहास उठाकर देख लिया जाए, जितना भ्रष्टाचार, जितना पैसा जो है पानीपत में गया है, इतना शायद जो है किसी
अन्य जिलों में गया होगा। तो आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें जरूर लिखें। नमस्कार।